फिलहाल आपको बताएं, मुश्किलों का सामना कर रहे पीएमसी बैंक के जमाकर्ताओं ने आज मुंबई के बीकेसी स्थित आरबीआई के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे जमाकर्ताओं का यह कहना है कि उनकी दिवाली काली हो गई है, लेकिन आरबीआई कुछ सुनने को तैयार नहीं। पीएमसी बैंक के खाता धारकों से बातचीत की हमारे सहयोगी विशाल सिंह ने। पीएमसी बैंक के खाता धारक आज बीकेसी के आरबीआई ब्रांच पे यहाँ पे इन्होंने आज प्रोटेस्ट किया है। आप देख सकते हो जितने भी खाता धारक है यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके हाथ में दफ्तियाँ हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि आज हमारी बारी है, कल तुम्हारी बारी होगी। तरह तरह की मांग कर रहे हैं, लगातार 35 दिन से ज़्यादा हो गए, पर अभी तक इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ तक कि पूरी दिवाली चलेगी, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है काली दिवाली, थैंक यू पीएमसी। दिवाली बीतने को हो गई है, बीत चुकी कहा जाए, लेकिन कोई इनकी सुनने वाला नहीं है। हम आपसे कहना चाहेंगे कि 35 दिन से ज़्यादा हो गए, कोई आपकी सुन नहीं रहे, आप क्या कहेंगे? बस यही बोल रहे हैं कि क्या चल रहा है, ये हमारी सरकार है, हमारे लिए आप आरबीआई ने प्रॉमिस किया था कि 25 से लेकर 27 के बीच यू विल इश्यू स्टेटमेंट, यू विल कम बैक, यू विल आंसर। व्हाट यू आर डूइंग, नथिंग इज हैपनिंग, गवर्नमेंट इज नॉट आंसरिंग। बस आप खोखले आश्वासन दिए जा रहे हैं कि हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। यहाँ हमें एक एक दिन निकालना मुश्किल है विदाउट पैसे, आप समझ नहीं पा रहे। देर आर मेडिकल इश्यूज, फीस इश्यूज, घर पे सब्जी वब्जी लाने के भी पैसे नहीं है। इंडिया के है कि नहीं, हमको ये फील हो रहा है। सब जने यहाँ पे इतना बैरिकेड लगा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? हमको आतंकवादी है क्या यहाँ पे? तबीयत खराब हो रही है हम लोगों की, फिर भी हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए आ रहे हैं, पैसा लेने के लिए। 35 दिन से ज्यादा हो चुके हैं ये बैंक के खाता धारक अलग अलग तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पर फिलहाल इनकी कोई सुनने वाला नहीं है, ऐसा इनका आरोप है। इनके सारे पैसे बैंक में फंसे पड़े हैं, ये निकाल नहीं पा रहे हैं, जिस वजह से इन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन नरेश के साथ विशाल सिंह, जी मीडिया, मुंबई।